नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप एसएससी सीपीओ क्या होता है ये जानेंगे। दोस्तों एसएससी सीपीओ आपने बहुत बार सुना होगा, सो आज हम जानेंगे कि एसएससी सीपीओ का मतलब क्या होता है और एसएससी सीपीओ से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीपीओ की सैलरी, उसकी पोस्ट, उसका एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ और आपकी हर एक डाउट को आज क्लियर करने वाला हूँ। सो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो पूरी जरूर देखें, तभी आपको हर एक चीज़ ढंग से समझ में आएगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीपीओ क्या होता है। दोस्तों सीपीओ का मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों एसएससी सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट करवाती है अलग अलग जगह पे, एसआई की पोस्टिंग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट पे। तो जान लेते हैं एसएससी सीपीओ क्या होता है। तो इट इज़ अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंडक्टेड बाई द एसएससी एट द नेशनल लेवल फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट इन द डिग्निफाइड पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन वेरियस डिपार्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एक एग्जाम है नेशनल लेवल पे, जिससे क्या होता है कि एसएससी सब इंस्पेक्टर के लेवल के ऑफिसर को नौकरी प्रदान करती है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। सो आई होप आपको एसएससी सीपीओ से मतलब समझ में आ गया होगा एसएससी सीपीओ क्या होता है। चलिए अब आगे इसके बारे में एक एक चीज डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर पोस्ट की। तो एसएससी सीपीओ के अंदर जो है वो टोटल 7 पोस्ट होती हैं। दोस्तों ये जो पोस्ट होती है हमारी, वो दो टाइप की पोस्ट होती है। एक होती है इसमें सब इंस्पेक्टर की यानी कि एसआई की, दूसरी होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की यानी कि एएसआई की। तो दोस्तों इसमें जो है कि 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में इसका पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो एक तो पहला हमारा डिपार्टमेंट है वो है सब इंस्पेक्टर बाई दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, दूसरा हमारा बीएसएफ के अंदर। तीसरा है सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। चौथा है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के अंदर। पांचवा है सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के अंदर। छठा है सब इंस्पेक्टर इन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीएफ के अंदर। उसके बाद है सातवीं पोस्ट, जो हमारी लास्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। सो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल सीपीओ के अंदर टोटल 7 पोस्ट आती हैं। इनमें से अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट होती है और पोस्ट दो टाइप की होती है, सब इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। ज़्यादातर इसमें जो है सब इंस्पेक्टर की यानी कि एसआई की पोस्ट होती है। बस एक पोस्ट इसमें होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की, वो होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के अंदर। सो आई होप दोस्तों आपको जो पोस्ट है उसके बारे में समझ में आ गया होगा कि सीपीओ के अंदर कितनी पोस्ट होती है, कौन सी पोस्ट होती है और कौन से डिपार्टमेंट में हमारी पोस्ट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मेनली यहाँ पे 7 डिपार्टमेंट है। पहला है दिल्ली पुलिस के अंदर, दूसरा है बीएसएफ, उसके बाद है सीआईएसएफ, उसके बाद है सीआरपीएफ, उसके बाद है एसएसबी, उसके बाद है आईटीबीपीएफ, उसके बाद है सीआईएसएफ। सो आई होप आपको सातों के सातों डिपार्टमेंट भी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं इनकी सैलरी की। दोस्तों इस पोस्ट की सैलरी कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जो एसएससी सीपीओ की जो हमारी जॉब है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की जॉब हमारी कहलाती है, यानी कि एक अच्छी कैटेगरी की जॉब है हमारी ग्रुप सी और ग्रुप बी लेवल की इसमें जॉब आती है। और जो जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छी जॉब है ग्रुप बी लेवल की है। तो इसके अंदर सैलरी की बात करें तो इसके अंदर जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के अंदर होते हैं, एसआई जो होते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनकी जो सैलरी होती है वो लेवल 6 की होती है। और उनकी जो सैलरी होती है वो 35,000 से लेके 1,12,400 के बीच होती है,
ये अलग अलग डिपेंड करती है सब पे। चलिए दूसरा है जो सब इंस्पेक्टर CAPF के अंदर जो है उनकी जो सैलरी होती है वो भी बिल्कुल सेम इनके जैसे ही होती है, 35,000 से लेके 1,12,000, 12,12,000 के बीच। तीसरा जो ASI है CISF के अंदर जो उसकी जो सैलरी होती है इनसे थोड़ी कम होती है, वो होती है 29,000 से लेके 92,300 रुपए तक। सो आई होप आपको सैलरी का भी यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, इसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए SSC CPO के में अप्लाई करने के लिए। कौन कौन SSC CPO के लिए अप्लाई कर सकता है? तो दोस्तों इसके अंदर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन तो हमारी नेशनैलिटी की, यानी कि हमारा जो नेशनैलिटी है वो हम भारतीय होने चाहिए। दूसरी चीज़ नेपाली होने चाहिए या भूटानी होने चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं। तो ये एक तो पहली चीज़ हमारी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए या फिर नेपाली या भूटानी। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एज लिमिट। इसमें जो एज है वो हमारी मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, यानी कि 20 साल से कम वाले लोग नहीं भर सकते। मिनिमम 20 साल आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है यहाँ पे 25 साल होनी चाहिए, यानी कि 25 साल से ज़्यादा लोग नहीं भर सकते। यानी कि 20 से लेके 25 साल तक आपकी इसमें एज होनी चाहिए। हालांकि इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है जनरल कैटेगरी वालों को छोड़ के, SC OBC ST वालों को, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो एज है वो हमारा मिनिमम 20 से लेके मैक्सिमम 25 तक होनी चाहिए। आई होप आपको एज भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारी, जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम ग्रेजुएशन डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यानी कि दोस्तों ये इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम ग्रेजुएट पास होने चाहिए, हम ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से पूरे इंडिया के अंदर, किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे दो तीन हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हमारे नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, एज लिमिट हमारे 20 से 25 होनी चाहिए, थर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी ग्रेजुएशन पास होने चाहिए हम किसी भी यूनिवर्सिटी से। आई होप आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है जनरल कैटेगरी वालों को छोड़ के, तो भी हम जान लेते हैं। तो मिनिमम तो 20 से 25 तक होनी ही चाहिए हमारी एज, बट इसमें कुछ एज आरक्षण भी दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कि SC ST से यदि आप बिलोंग करेंगे तो आपको जो है एज में 5 साल की छूट दी जाएगी, तब आप यानी कि आप इसको 5 साल में इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यही वहीं आप यदि OBC से बिलोंग करेंगे तब आपको इसमें 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं आप यदि ESM से बिलोंग करेंगे तो आपको 3 साल से छूट मिलेगी वहीं। सो यहाँ पे कुछ हमारी एज रिलैक्सेशन भी है यहाँ पे है। सो आई होप आपको एज रिलैक्सेशन भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों अब मैं आपके सामने बात करूंगा यहाँ पे एग्जाम के प्रोसेस की, इसका एग्जाम का प्रोसेस कैसे कराया जाता है CPO एग्जाम्स का। तो दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं पहले कि द कैंडिडेट विल इनिशियली हैव टू फेस द पेपर 1 रिटन एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट हु क्लियर दिस पेपर विल बी टेस्टेड फॉर देयर फिजिकल फिटनेस। द कैंडिडेट विल लेटर हैव टू अपियर फॉर द सेकेंड पेपर ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। पेपर 2, द कैंडिडेट हु विल क्लियर ऑफ द ऑल 3 स्टेजेस टेस्टेड विल बी फॉर द मेडिकल फिटनेस। फाइनली दे विल अपॉइंटेड एज पर द मेरिट पोजिशन। तो यहाँ पे ओवरऑल दोस्तों चार प्रोसेस हैं SSC CPO को क्लियर करने का, SSC CPO को सक्सेस पाने का, SSC CPO में क्वालिफाई करने के। कौन कौन से प्रोसेस है? हमें सबसे पहले पेपर 1 देना पड़ेगा जो कि एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। कैसे होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वो हम आगे बात करेंगे। दूसरा, जब हम पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद हमारा फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको PST कहते हैं, दूसरा टेस्ट होगा फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जिसको PET कहते हैं। अब PST और PET के अंदर क्या होगा, क्या इनमें क्या क्या होगा, इसके आगे हम आगे बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप दूसरा टेस्ट भी पास कर लेते हैं PET और PST, तो उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 जो होगा ये हमारा इंग्लिश का पेपर होगा रिटिन में।
सो ये रिटेन एग्जाम होगा। सो ओवरऑल जब आप इसका पैटर्न कैसा होगा इसका मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जब आप पेपर सेकेंड भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है फिर मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट आपका होगा। तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा। सो ओवरऑल इसके बाद आपकी जो है आपको जॉब जो है क्वालिफाई कर लेंगे आप, आपको जॉब आपकी मिल जाएगी। सो यहाँ पे ओवरऑल चार प्रोसेस हैं, बहुत ही हार्ड प्रोसेस आप कह सकते हो एक तरीके से, चार मेन मेन प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है पेपर वन का, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। उसको क्लियर करने के बाद हमें फिजिकल प्रोसेस देना होगा, जिसमें दो फिजिकल प्रोसेस होंगे, PhD PET। जब आप इनको भी क्लियर कर लेंगे तो आपका थर्ड पेपर सेकेंड होगा थर्ड प्रोसेस के अंदर, जो कि इंग्लिश का पेपर होगा। जब आप इसको भी क्लियर कर लोगे तो आपके बाद आपका मेडिकल होगा, और फाइनली जब आप मेडिकल कर लोगे तो आपका जॉब जो है क्लियर हो जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात कर लेंगे। तो दोस्तों हम पहले बात कर लेंगे पेपर पेपर हम पेपर फर्स्ट हमारा कैसा होता है। तो पेपर जो वह फर्स्ट जो होगा हमारा, इसके अंदर हमें जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। सो इस टाइप से हमारा जो है जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, वहीं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, साथ में क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, साथ में इंग्लिश का 50 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का, और टोटल 200 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और 200 मार्क्स का ही पेपर होगा। साथ में इसमें आपको 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। सो दोस्तों आई होप ये हमारा पेपर वन का जो है एग्जाम पैटर्न है, ये बिल्कुल SSC CGL और SSC CSL के टायर वन की तरह एग्जाम पैटर्न है। बस इसमें मार्क्स का और टाइम का थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बाकी बिल्कुल डिट्टो उनकी तरह सेम ही प्रोसेस है। तो इस तरीके से हमारा इसमें एग्जाम प्रोसेस होगा, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रही जो रहेगी 1.025 मार्क्स की, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा पेपर वन होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आप पेपर वन क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर जो हमारा PhD का टेस्ट होगा, जान लेते हैं वो PhD क्या होता है। द वन हु क्लियर द पेपर वन एग्जाम आर रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, द एबिलिटी आर डिटेल। देखो इसके लिए क्या क्या एबिलिटी चाहिए हमें PhD के अंदर। PhD के अंदर दोस्तों हमारे जो मेल कैंडिडेट रहेंगे उनकी जो हाइट रहनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वही उनका जो चेस्ट होना चाहिए वो 80-85 के बीच होना चाहिए। दूसरी जो जो मेल कैंडिडेट बिलोंग करेंगे हिमालय से, यानी कि हिली रीजन से बिलोंग जो करेंगे, हिमालय, गढ़वाल, लेह लद्दाख से, इनका जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इनका जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 से 85 होना चाहिए। तो ये हमारा PhD का कुछ एलिजिबिलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इसके अंदर जो ST के मेल होंगे उनके लिए जो उनकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, सीना जो होना चाहिए 77/82। फीमेल के लिए इनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर की। चेस्ट यहाँ पे फीमेल के लिए कोई भी नहीं रखा गया है, और वही फीमेल जो कि हिली रीजन से बिलोंग करेंगे उनके लिए उनकी हाइट जो होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ पे चेस्ट का भी उनका कुछ नहीं रखा गया। ST फीमेल वालों के लिए 154 सेंटीमीटर, और चेस्ट भी यहाँ पे शायद गलत हो गया है, यहाँ पे भी 80 से 85 के बीच होगा। सो आई होप दोस्तों आपको PhD का समझ में आ गया होगा, PhD के अंदर क्या क्या होता है, PhD का मतलब। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों, PhD फिजिकल के अंदर दो टेस्ट होंगे। पहला PhD हमने जान लिया, अब बात करके PET क्या होता है दोस्तों। द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कंप्राइज टास्क दैट आर टू कम्प्लीटली बाय द कम्युनल लिस्ट। इसके अंदर दोस्तों जो आपका फिजिकली टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि जो लोग मेल कैंडिडेट हो गए, मेल कैंडिडेट को 100 मीटर दौड़ना होगा 16 सेकेंड में, वहीं 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 6.5 मिनट के अंदर। इनको जो लॉन्ग जंप है वो 3.65 मीटर की 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप जो है 1.2 मीटर की इन 3 चांस के अंदर करना होगा। शॉर्ट पुट जो है वो 162 आईलैप्स की 4.5 मीटर इन 3 चांस के अंदर करना होगा। सो जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए जो यहाँ पे है वो है 100 मीटर रेस 18 सेकेंड के अंदर उनको दौड़ना होगा, 100 मीटर की रेस। 800 मीटर रेस इनको जो है 4 मिनट के अंदर दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप इनको जो है 2.7 मीटर 3 चांस, हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांस। तो ये हमारा PET का क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने पेपर वन बता दिया, फिजिकली के अंदर दोनों बता दिया, PhD PET। अब जो लोग इन दोनों को क्वालिफाई कर लेंगे उनके बाद पेपर सेकेंड होगा। चलिए पेपर सेकेंड जान लेते हैं।
पेपर सेकंड जो होता है दोस्तों, ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का अलग से पेपर होता है। द एसएससी सीपीओ सेकंड पेपर विज कंडक्ट टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये पेपर हमारा कैंडिडेट का इंग्लिश नॉलेज चेक करने के लिए कराया जाता है। इसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, एक हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और ये एमसीक्यूज इसमें पूछे जाएंगे और इसमें समय जो है आपको 2 घंटे का मिलेगा। सो ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ओवरऑल जो लोग अब अपना पेपर सेकेंड भी क्वालिफाई कर लेंगे, अब उनका मेडिकल टेस्ट होगा। देखते हैं मेडिकल टेस्ट में हमें क्या होगा। तो मेडिकल सेट में आपकी आई साइट देखी जाएगी, आपको आंखों का टेस्ट होगा, आपका फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ का टेस्ट होगा। आंखों में क्या टेस्ट होगा देख लेते हैं। तो आंखों में आपकी जो नियर साइट होनी चाहिए वो N6 बेटर होगी, N6 वर्ड्स होगी। डिस्टेंस वाली जो है 6-6 बेटर होगी, 6-9 वर्ड्स होगी। और उसके बाद फिजिकली एंड मेंटल के अंदर ये कि आपका द एस्पिरेंट नीड टू पोजेस अ क्रॉक नी फ्लैट फ्रूट वेरियस वी इन दिस वन। द आईज कैंडिडेट में मेंटली साउंड फिजिकली फिट होने चाहिए। सो ये हमारा जो होता है मेडिकल का पैटर्न होता है। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे अगर जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे आफ्टर ऑल उनका जो है उनको जॉब जो है फाइनली मिल जाएगी। सो ओवरऑल यहाँ पे 4 पैटर्न होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसएससी सीपीओ का पूरा हर एक चीज, चारों तरीका मैंने हर एक चीज बता दी। चलिए अब इसके अंदर इसका सिलेबस भी जान लेते हैं। दोस्तों सिलेबस के अंदर अगर बात करें, पेपर 1 का जो सिलेबस होता है उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें उसके सिलेबस की, तो उसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम ही रहता है एसएससी सीजीएल सीएसएल का सिलेबस टायर 1 की तरह। उनमें भी जो चीज़ आती है जनरल इंटेलिजेंस में, इसमें भी वही आती है। इसमें भी सेमेटिक एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोड डिकोडिंग, नंबर कॉपरेशन, सिम्बॉलिक ऑपरेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग इंटरफेस। ओवरऑल आप यहाँ पे सारा स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका पूरा जो भी सिलेबस है आप बड़े आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सिलेबस बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो सिलेबस इसका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का वो कैसा होगा। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का जो सिलेबस होगा उससे मैथ से हर एक पोर्शन आएगा, जैसे कि मिक्सचर एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, बेसिक ऑफ एलजेब्रा, ग्राफ लीनियर, ट्राइंगल, सर्किल, टेंजेंट, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट, एवरेज। ओवरऑल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसका जो भी रेशो है मैथ से हर एक पोर्शन यहाँ पे आएगा, आप स्क्रीन पे बड़े आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं इसका सिलेबस। चलिए उसके बाद अगली बार हम बात कर लेते हैं इसका जीके जीएस का और इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो जीके जीएस में दोस्तों आपका जो करंट अफेयर्स आपका आएगा, इंडिया एंड नेबर कंट्रीज के बारे में पूछा जाएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएंगे, साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आएंगे। वहीं अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर एरर रिकॉग्नाइजेशन आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, वोकेबुलरी आएगी, स्पेलिंग आएगी, ग्रामर आएगी, सेंटेंस आएगा, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, सेंटेंस कॉम्प्लिटेशन आएगा, फ्रेजेज एंड आइडियम्स आएगा और कॉम्प्रेहेंसिव आएगा। सो ओवरऑल दोस्तों ये हमारा चारों सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, कुछ इस टाइप का हमारा जो है सिलेबस आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इसका हर एक चीज एसएससी सीपीओ के बारे में समझ में आ गया होगा कि एसएससी सीपीओ क्या होता है, उसके अंदर कितनी पोस्ट होती है, उसका एग्जाम का पैटर्न कितना होता है, उसके अंदर सैलरी कितनी होती है। एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको एक एक का डिटेल में आपको हर एक चीज बता दी, चारों एग्जाम पैटर्न, साथ ही में उसका सिलेबस भी बता दिया। तो यही होता है दोस्तों हमारा एसएससी सीपीओ। आई होप जिनको नहीं पता था अब तक अब उनको कुछ अच्छा पता चल गया होगा आराम से और सब चीज जान चुके होंगे। सो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों के साथ शेयर करें जिससे ज्यादा लोगों को पता चले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। एसएससी सीपीओ के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलिए, चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।